राजधानी दिल्ली के शाहदरा बाबरपुर में गणेश उत्सव का आयोजन एनबी ड्रीम इवेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि सनातन धर्म में किसी भी देव की आराधना की शुरुआत से लेकर किसी भी सत्कर्म और अनुष्ठान में उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इसी पूजन समारोह के दौरान वहीं की भक्त से मुलाकात हुई। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। और गाइडलाइन के अनुसार हमने इस बार छोटी मूर्ति रखी है, और जैसे कि विसर्जन के लिए भी आया हुआ है कि विसर्जन यहीं किया जाएंगे, कहीं जैसे कि हरिद्वार वगैरह में नहीं हो रहे हैं इस बार, तो हमने यहीं घर के यहाँ पर एक इको फ्रेंडली करेंगे गणेश का विसर्जन, और घर के बाहर किया जाएगा। आप लगातार 8 साल से कर रहे हैं, 8 साल पहले और अब गणेश जी जो अब बैठा है, दोनों में क्या अंतर नजर आता है आपको? अंतर ये है कि पहले जैसे किया जाता था गणपति, तो काफी अच्छे से धूमधाम से किया जाता था, काफी लोग आते थे, तो इस कोरोना के चलते लोग इतना घरों से बाहर आते नहीं है, और अगर हम भी पूरा सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, सबको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, सैनिटाइज करना, मास्क वगैरह, ये सब हम जरूर करते हैं। तो किस तरह का प्रोग्राम रहा पिछले साल के माध्यम, इस साल किस तरह की गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, उनके पूजा किया जा रहा है, उनके बारे में? पिछले साल भी कोरोना महामारी की वजह से हमने सरकार की पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपना गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया, और रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही हम लोगों ने अपना आयोजन किया, और सावधानी पूरी पूरी रखी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा, पूरे भवन को, पंडाल को सैनिटाइज कराते थे दिन में 2-3 बार, साफ सफाई का, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया, श्रद्धा के साथ साथ पूरी सुरक्षा और सब लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हमने। कितने सालों से आप लोग ये उत्सव मना रहे हैं? हम लोग पिछले 8 सालों से गणेश चतुर्थी का आयोजन कर रहे हैं।